हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मेरा नाम सुभाष है, शाके मेरा चैनल। तो आज हम लेके आए एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आ चुके हैं। तो आज हम डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने वाले हैं GTA 5 में पाकिस्तानी फ्लैग्स। यहाँ पाकिस्तानी फ्लैग्स डाउनलोड करने वाले हैं। तो वीडियो को करते हैं शुरू, और आपने करना है कोई भी थोड़ा सा भी स्किप वीडियो नहीं करना, क्योंकि आपकी गेम क्रैश हो सकती है। और वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो में कमेंट करनी है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो हम अपने पीसी में आ चुके हैं। तो आपको करना क्या है, सिंपली ये दो फाइलें आपको डाउनलोड करनी है। ओपन आईवी आपको मिल जाएगी मेरी पिछली वीडियो में, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो की, और इस पाकिस्तानी फ्लैग की भी डिस्क्रिप्शन में है वीडियो की, और मीन्स लिंक जो है फाइल की डिस्क्रिप्शन में है। तो जल्दी से डाउनलोड करें और मेरी पिछली वीडियो में देखें कि मैंने ओपन आईवी कैसे इंस्टॉल किया और कैसे मैंने बताया कि मोड फोल्डर भी बनता है। तो जल्दी से जाके देखें, और आई बटन में भी आपको मिल जाएगी। सिंपली एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको ये चार फाइलें मिलेंगी, और चार फाइलें मिलने के बाद आपको यहाँ पर ये एक फाइल मिलती है जिसका नाम है मार्शल। तो चलिए जल्दी से इसको करते हैं ओपन आईवी मदर से इंस्टॉल। तो जल्दी से ओपन आईवी ओपन करते हैं। तो गाइस, हमारा ओपन आईवी थोड़ा सा टाइम लेगा, स्टार्ट में एक दो मिनट लग सकता है। तो जल्दी से ओपन आईवी विंडो पर क्लिक करने के बाद ओपन आईवी हमारा स्टार्टिंग ले रहा है। तो थोड़ा सा कहते हैं वेट। तो गाइस, आप जो है ना थोड़ा सा स्किप वीडियो नहीं करना, कुछ भी स्किप नहीं करना, किया तो आपका थोड़ा मसला हो सकता है। तो विंडो आ चुका है, मीन्स ओपन आई वी ओपन हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोड फोल्डर। अगर आपके पास मोड फोल्डर नहीं है तो जाइए मेरे पिछली वीडियो में, वो वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन में है, देख सकते हैं जल्दी से GTA 5 नीड्स फॉर मोड्स। तो यहाँ पर X64 की सीरीज आपको दिख रही है। अगर आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल रीडमी आपको दिखाई दे रहा है, X64WU कोई भी आपको यहाँ पर बोलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं X64W मेरे पास पड़ी। उसके बाद आपने पीछे आ जाना है, ये कैसे मैंने मोड फोल्डर में इंस्टॉल की है। तो सिंपली नीचे आ जाना है GTA 5 के फोल्डर में, और आपको दिख सकते हैं कि X64 यहाँ पर बहुत सारे पड़े हैं। इसको हमने करना है अपने मोड फोल्डर में। तो सिंपली एडिट मोड ऑन करने के बाद आपने इस X64 में जाने के बाद आपने करना है, यहाँ पर आपको शो इन मोड फोल्डर दिखाई दे रहा है, पर जब भी आपके पास नहीं होगा तो आपके पास लिखा आएगा कॉपी इन मोड फोल्डर। तो क्या करना है, आपने शो इन मोड फोल्डर पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली आपके फोल्डर में आ जाएगा X64W। उसके बाद आपको इसको ओपन करने के बाद आपने जाना है सिंपली जहां भी ये बोल रहा है रीडमी में, तो आपने जाना है X64 DLC packs के बाद X64 में जाना है। अभी हम चलते हैं DLC packs में, सुपर पार्ट में जाने के बाद आपने जाना है DLC packs, उसके बाद X64, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आप GTA 5, और यहाँ पर आप हमारे पास आ चुका है फाइल लोकेशन। उसके बाद आपने ये जो मार्शल फाइल है, आपको सिंपली इसको ड्रैगन ड्रॉप करना है अपनी GTA 5 में, जो आपने यहाँ पर म्यूट फोल्डर को ओपन किया है, ठीक है। एडिट मोड ओपन रखना है आपको, उसके बाद इसमें जाने के बाद आपके करना है इसको क्लोज, और यहाँ पर इस फाइल को करना है ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पर एक हमारा फ्लैग इंस्टॉल हो चुका है, मींस यहाँ पर ये शायद माउंटेन या कहीं ही मिलिट्री बेस का यहाँ पर हमने फ्लैग्स इंस्टॉल कर लिए हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं हमारे दूसरी जो है ना रूफ टॉप की तरफ, जहाँ पर रूफ टॉप पे हम फ्लैग लगा सकते हैं। तो ऐसे ही हमें करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं X64U शायद ये मांग रहा है। तो हमने सेम तरीका अपनाना है GTA 5 की मेन डायरेक्टरी में जाने के बाद आपने जाना है सिंपली नीचे। नीचे जाने के बाद X64U में जाने के बाद आपको देख सकते हैं मेरे पास नहीं है, इसलिए ये कॉपी इन मोड फोल्डर बोल रहा है। तो हम जल्दी से इसको कॉपी इन मोड फोल्डर करते हैं। तो वीडियो को करता हूँ थोड़ा स्किप। ओके गाइस, तो हमारा मोड फोल्डर हो चुका है, मीन्स X64 हो चुका है अपने मोड फोल्डर में। तो चलती है हम मोड फोल्डर की तरफ, और वहाँ से हम करते हैं इंस्टॉल। मोड फोल्डर में हम इंस्टॉल क्यों करते हैं, अगर कोई भी गेम हमारी थोड़ी सी भी क्रैश हो सकती है तो हम इस मोड फोल्डर को डिलीट करके हम अपनी गेम प्ले कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर जो भी ये हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है रेडमी में, तो सिंपली वहाँ पर जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आप देख C03 पर जाना है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं
ओके, तो यहाँ पर ये 003, उसके बाद जाने के बाद आपने इस रीडमी को कैंसिल करने के बाद आपने जाना है सिंपली इस फाइल को एडिट मोड ऑन करने के बाद सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। तो गाइज यहाँ पर हमारा दूसरा भी फ्लैग ऑन इंस्टॉल हो चुका है, ये तीसरा है, ये भी सेम तरीका है, आप खुद ही कर लेना, ठीक है। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं नहीं कर रहा, ये सेम ही तरीका है। तो करते हैं इसको मीन्स GTA 5 को ओपन और मैं दिखाता हूँ कि हमारा GTA 5 में फ्लैग्स आ गए कि नहीं। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं अपनी गेम में और आप देख सकते हैं हमारा फ्रैंकलिन लग रहा है ना गैंगस्टर। तो आपने अभी तक टिकटॉक नहीं देखा मेरा, तो जल्दी से वो भी जाके देखें क्योंकि भाई साहब वहाँ पर तो फेमस लगा पड़ा है। ओके गाइस, तो हम मिलिट्री बेस पर आ चुके हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्यारा और खूबसूरत झंडा पाकिस्तानी यहाँ पर बहुत ही हवाओं में से लहरा रहा है। तो गाइज आपको करना क्या है कि लाइक बटन ठोक देना है, शेयर बटन ठोक देना है और सब्सक्राइब, तो यार सब्सक्राइब तो लाजमी करना है ना भाई को। ओके गाइज अंदर चलते हैं और मैं आपको दूसरे भी जो है ना दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं भाई साहब कितने अमेजिंग लग रहे हैं। और गाइज थोड़ा सा लेग अगर गेम प्ले हो रहा हो तो उसके लिए सॉरी। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर 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 लाइक करना और जो है ना कमेंट में ज़रूर लिखना कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और वीडियो लेट होने की वजह आप जानते हो, अगर कोई भी आप मोड इंस्टॉल करवाना चाहते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।